Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को आतंक और नफरत फैलाने वाला संगठन कहा। मध्य प्रदेश में एकता यात्रा कर रहे सिंह ने झबुआ में कहा कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी वो भी संघ का हिस्सा रहा था। ये विचारधारा नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा होती है जो आतंकवाद पैदा करती है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज दिल्ली में राज्य के सभी बड़े पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। बीजेपी ने समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। बीजेपी के संपर्क फोर्स समर्थन को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कहा कि ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है, साथ ही इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बंगले को लेकर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस बंगले के कारण बीते दिनों सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव चर्चा में रहे, उसी बंगले पर योगी सरकार के मंत्री ने अपना दावा ठोका है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है। सिद्धार्थ सिंह ने मांग की है कि उन्हें 4 विक्रमादित्य मार्ग या 5 विक्रमादित्य मार्ग में से कोई एक बंगला आवंटित किया जाए, क्योंकि जो बंगला अभी उनके पास है वो आने वाले मेहमानों के हिसाब से काफी छोटा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल गांधी आज 48 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे के साथ प्रसारित 6,000 करोड़ रुपए का पतंजलि प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के साथ ही ग्रेटर नोएडा में ये प्रोजेक्ट पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के नाम से जाना जाएगा। पहले ये प्रोजेक्ट पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के नाम से था। रेप का आरोप झेल रहे मदन राजस्थानी उर्फ दाती महाराज ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुधवार तक का समय मांगा। दाती महाराज ने अपने वकील को पुलिस के पास भेजा और बुधवार तक का वक्त मांगा। अगर बुधवार तक दाती महाराज पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच गैर जमानती वारंट जारी करवा सकती है। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का एक नया मामला गुरुग्राम में सामने आया है। यह वेबसाइट OLX पर हार्ली डेविडसन का एक ऐड देकर एक युवक बाइक खरीदने साइबर हवाया। युवक ने ट्रायल के बहाने बाइक मांगी और उसे लेकर फरार हो गया। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। अरविंद केजरीवाल के साथ अनशन पर बैठे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तबीयत बिगड़ने से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से दोनों छुट्टी मिलते ही अपने अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन केजरीवाल और गोपाल राय अभी भी LG हाउस में डटे हुए हैं। इसी बीच IAS एसोसिएशन से केजरीवाल अपील पर आज एक नरमी का संकेत दिया गया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि अब वो केजरीवाल सरकार की ओर से आधिकारिक न्योते के इंतजार में है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संघर्ष कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने पत्थर से बचने के लिए पत्थरबाजों को ही अपनी ढाल बना लिया। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पंपौर में सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग सेना की गाड़ी पर पत्थर बरसाने लगे थे। इतना ही नहीं, पत्थरबाजों ने भारत के खिलाफ नारे भी लगाए। ICICI बैंक ने संदीप बख्शी को मुख्य परिचालन अधिकारी CEO नियुक्त किए जाने की घोषणा की। बैंक ने ये भी कहा कि उसकी CEO और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर वीडियोकॉन कर्ज मामले में आंतरिक जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगी। बख्शी ने आज से ही बैंक के CEO का पदभार संभाल लिया है।
अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस 141.9 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में विश्व के अरबपतियों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अपने नैन मटक्का कर इस साल इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ओरू अदार लव के प्रमोशन में व्यस्त है। प्रिया ने हाल ही में 2 नए वीडियो जारी किए हैं, जिसमें वो अपने को स्टार और एक्टर रोशन अब्दुल राउफ के साथ पुराने अंदाज में नजर आ रही हैं। सऊदी अरब के खिलाड़ियों को फुटबॉल विश्व कप के अगले मुकाबले के लिए ले जा रहे विमान के एक इंजन में आग लग गई। सऊदी फुटबॉल महासंघ ने आज बताया कि टीम के खिलाड़ी अगले मैच के लिए जिस विमान से रोस्तोवान दोन जा रहे थे उसके एक इंजन में आग लग गई, लेकिन विमान को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की कमबैक फिल्म वीरे दी वेडिंग ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर डाला है। फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद ही करीना कपूर खान सैफ अली खान के साथ अपने बेटे तैमूर को लेकर लंदन रवाना हो गई थी। इंटरनेट पर वायरल हुए ताजा वीडियो में करीना, सैफ और तैमूर लंदन की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।